मिर्जापुर में हम ये जान रहे हैं कि आखिर 2022 में विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या है। मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि मेरी नज़र इस बड़े महिला सम्मेलन में पड़ी तो मैंने देखा कि सरोज पांडे जो कि महिला नेत्री हैं बीजेपी की, वो संबोधित कर रही हैं यहाँ सभा को और इसलिए वो पहुँची हैं। चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ से ही सरोज पांडे जी आती हैं तो मैंने कहा इनसे बात करूँ कि आखिर मुद्दे क्या हैं। आप घूम रही हैं, सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे हैं इस बार? और महिलाओं को एक कह रही हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपकी महिलाएँ क्या कर सकती हैं? ये विशाल जनसंख्या जो आपको महिलाओं की दिखाई दे रही है, ये इस बात का घोतक है कि सभी बहनें दोनों हाथ से हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये बात बहुत देरी से ख्याल आया। थोड़ा पहले आ गया होता तो शायद कहीं पर आज होती। अभी लड़ने का समय, जब मैदान में लड़ना है तो लड़की का ध्यान आया। लेकिन आज तक इतने लंबे समय तक भारत के इतिहास में, भारत में महिला प्रधानमंत्री हुई लेकिन कहीं पर भी कुछ ऐसा विषय नहीं हो पाया जिसमें कि बहनें बहनों के लिए कुछ किया हो। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने बहनों के लिए जो योजनाएं लागू की और जो आवास योजना है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत किया। और आज ये बहनें इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देती हैं कि जो अनुपात था वो अनुपात अब हमारा बढ़ा है। पहले बेटियां इस धरती पर आने के पहले ही समाप्त हो जाया करती थी, भ्रूण में हत्या हो जाती थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। आज मकान का नाम है तो बेटी के नाम पर है, महिला के नाम पे है, मुखिया के नाम पर है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री जी ने बहुत मजबूती से काम किया है, इसलिए दोनों हाथ से ये बहनें आशीर्वाद देने आई हैं और मैं भी इनके साथ में हूँ। सरोज जी, बड़े ईमानदारी से, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, आप बहुत स्पष्ट रूप से कोई भी बात रखती हैं। अखिलेश यादव की सभा में जिस तरह से भीड़ आ रही है, सब कुछ ठीक तो है, आपको क्या लग रहा है? भीड़ तो जब मदारी का खेल होता है तो भीड़ तो आती ही है, वो मदारी का खेल है, लोग भीड़ देखने, भीड़ वैसे ही है, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये समय के साथ दिखाई देगा। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। देखिए, सरोज जी सहारे से चल रही हैं और उसके बाद भी लगी हैं और बता रही हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा आप कांग्रेस को याद आया है, बीजेपी पर ही भरोसा है और ये जो विशाल जनसभा है वो ये कह रही है कि बीजेपी के तरफ ही इन महिलाओं का भरोसा है और इसलिए वो जहाँ भी जा रही हैं, जहाँ भी घूम रही हैं, वहाँ महिलाओं का बड़ा जन समर्थन योगी और मोदी के ऊपर दिख रहा है और वो इसी सरकार पर समर्थन कर रही हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़ मिर्जापुर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।